दोस्तों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें स्कूली बच्चे क्लासरूम के अंदर और वो भी अपने टीचर के सामने खतरनाक बंदूकें असेंबल करते दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस की प्राइवेट स्कूलों में ये सिखाया जाता है। हालांकि लोग ये नज़ारा देखकर हैरान है कि ऐसे कैसे हो सकता है। कहते हैं कि हिंसा कभी नहीं करनी चाहिए क्योंकि हिंसा दुनिया को बर्बाद करके रख देती है। इस बात को कुछ लोग तो समझते हैं और उस पर अमल भी करते हैं, पर कुछ लोगों को हिंसा का शौक ही इस तरह का होता है कि उसके बिना जैसे उसका खाना पीना भी नहीं पचता। ये तो आप जानते ही होंगे कि बंदूकें हिंसा की को बढ़ावा देती है। हालांकि कई बार बंदूकें लोगों की सुरक्षा करने में भी काम आती है, लेकिन युद्ध आदि के समय घातक साबित होते हैं। इसीलिए बच्चों को बंदूकों से दूर रखा जाता है। लेकिन सोशल मीडिया पर आजकल एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने सभी को सिर्फ हैरान ही नहीं किया बल्कि सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि क्लासरूम के अंदर कई सारे बच्चे बैठे हुए हैं जबकि कुछ बच्चे बंदूकों के पार्ट पुर्जे निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं और बंदूकों में कई पार्ट्स वो बंदूकों के कई पार्ट्स को निकाल देते हैं और फिर उसे असेंबल कर देते हैं। ये नज़ारा देखकर हर कोई हैरान है। रूस के स्कूलों में आखिर बच्चों को ये क्यों सिखाया जा रहा है? वैसे तो कहते हैं कि बंदूकों से खेलना बच्चों के लिए खेल नहीं है, पर यहाँ तो बच्चे बंदूकों से खेलते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि TV9 इसकी पुष्टि नहीं करता है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म ट्विटर पर @HistoryMemes नाम की आईडी से शेयर किया गया है। महज 59 सेकंड की इस वीडियो में अब तक 6.8 मिलियन यानी 68 लाख लाख बार देखा जा चुका है, जबकि 35,000 से अधिक लोगों ने इसे लाइक भी किया है और तरह तरह के कमेंट्स भी किए हैं। वीडियो देखकर हर कोई ये गलत है ऐसा कह रहा है। Раз, два, три, четыре, пять.